तो विंडोज के अंदर जाना है और यहाँ पे ये पाथफाइंडर का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पाथफाइंडर की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब पाथफाइंडर के अंदर हमें जो है ना डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। लाइक सबसे पहले हमें जो है यूनाइटेड का मिल जाता है कि मतलब हम उसका एक यूनियन बना लेते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन, तो ये उसी तरीके से ही है कि इसमें अगर हम दो शेप्स को जो है हमने मर्ज करना हो एक दूसरे के अंदर, या उन दोनों का उन दोनों से एक ही शेप बनानी हो, तो ये हम इस तरीके से करके इसको मर्ज कर सकते हैं। इसको कहते हैं यूनाइट, मतलब उसको मर्ज कर देता है एक शेप में। लाइक कि अगर एक है या एक से ज्यादा भी शेप्स हैं, मतलब दो से ज्यादा भी शेप्स हैं, तो उनको भी ये मर्ज कर। सुनिए सर, थोड़ा स्टार्ट से बताइएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये आज हमने जो है पाथफाइंडर टूल को पढ़ना है। पाथफाइंडर टूल बेसिकली कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने में जो है काम आता है। छोटे छोटे आइकन हो गए, फ्लैट आइकन वगैरह, उनके अंदर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। एक मिनट। अब बताइए कि जरा आवाज सही आ रही है। हेलो, जी सर आ रही है। हाँ सही आ रही है, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है? आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। क्या आ रही है? तो सही चल रहा है, चेक किया है। हाँ, मैंने चेक की है, नेट वगैरह तो सही है मेरा। बिल्कुल आवाज सही आ रही है आप लोगों जी सर आ रही है। ये कौन सा टूल पढ़ रहे हैं समझ नहीं आई आपकी। को? पाथफाइंडर है, पाथफाइंडर के अंदर काफी सारे मोड्स हैं, ठीक है ना। पाथफाइंडर का बेसिकली ये होता है कि हमने इसे कंप्लेक्स और कंपाउंड शेप्स बनानी होती है, ठीक है। और मैं इसका खोलने का तरीका बता देता हूँ आपको कि यहाँ से विंडोज में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे पाथफाइंडर पे क्लिक करेंगे तो ये पाथफाइंडर आ जाएगा। इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है। उसके अलावा जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो ये देखिए यहाँ नीचे भी पाथफाइंडर आ रहा होता है। क्लिक करोगे तो वो सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये अलग से विंडो खोलनी है तो ये विंडोज के अंदर जाके यहाँ से भी खोल सकती है। ये इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं यूनाइट। यूनाइट का काम होता है बेसिकली दो शेप्स को जो है एक में मर्ज कर देना। इसमें जरूरी नहीं कि दो शेप्स हो, इसमें ज्यादा शेप्स भी हो सकती हैं। बेसिकली मर्ज करके एक बनाना इसका काम है, तो ये करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, ये अब एक शेप बन रही है, ठीक है। अब माइनस फ्रंट में ये होता है कि जो फ्रंट वाला होता है ना, ये माइनस हो जाता है बैक में से, ठीक है। ये वाला है माइनस फ्रंट, फ्रंट जो है वो माइनस हो जाएगा बैक में से। ये इंटरसेक्ट आपने
मैथ्स में पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्ट में ये होता है कि जितना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट हो रहा है ना सिर्फ उतना हिस्सा ही रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा वो जो खत्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक्सक्लूड के अंदर ये होता है कि जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है वो खत्म हो जाता है, बाकी जो नहीं इंटरसेक्ट हो रहा होता है या जो ओवरलैप नहीं कर रहा वो रह जाता है। ये देखें, अब इसमें एक चीज और आप लोगों को साथ ही ना समझा देता हूँ, अगर आप इसमें अल्ट प्रेस करके करेंगे तो एक कंपाउंड शेप बन जाएगी, लाइक के हम अल्ट प्रेस करके इसको यूनाइट करते हैं, ये देखें हमने अल्ट प्रेस करके इसको यूनाइट किया है, लेकिन ये एक शेप बन गई है, लेकिन इसमें आउटलाइन जो है ना वो दो की ही नजर आ रही है। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि हम लाइक एक प्रॉपर जगह पे इसको रखते हैं, हमें अंदाजा नहीं है कि हम इसका एक कंपाउंड शेप बनाएंगे तो वो कैसा लगेगा, तो इस हवाले से फिर हम अल्ट प्रेस करके करते हैं ताकि हम देख सके कैसा होगा और उसको फिर बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमें कंफर्म हो जाए कि अब ये शेप ओके है तो ये यहाँ पे एक्सपेंड का बटन होगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक प्रॉपर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ये माइनस फ्रंट में करते हैं अल्ट प्रेस करके, ये देखें यहाँ पे बाकी दोनों के आउटलाइन शो हो रही होगी बाकी हिस्से की ना, लेकिन हमें शो सिर्फ वो इतना हिस्सा हो रहा है जो हिस्सा रह जाना था। अब जब हमारा कंफर्म हो जाएगा लाइक के हमने एक क्रिसेंट बनाना, ये देखें इस तरीके से हमने चांद बनाना था, तो ये देखें अब हमारा चांद बन गया, तो हम यहाँ से जो है इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये चांद प्रॉपर एक बन गया, ठीक है। इंटरसेक्ट में देख लेते हैं हम अल्ट प्रेस करके, अब भी ये देखें दोनों सर्कल्स के आउटलाइन शो हो रही है, बट जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा था वो हिस्सा ही नजर आ रहा है हमें, ठीक है ना। इस तरीके से करके हम जो है शेप को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बाद में जब हमें कंफर्म हो जाए कि शेप ओके है तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सप्लोड में भी यही चीज है, डिवाइड का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तीन डिफरेंट शेप्स बन जाएंगे, लाइक कि अभी दो सर्कल है ना हम डिवाइड करेंगे, ये देखें ये डिवाइड हो गया, अब इसको अनग्रुप करते हैं तो ये देखें तीन डिफरेंट शेप बन, ठीक है। इसी तरह मर्ज में देख लेते हैं, तो मर्ज वाला जो है ना मर्ज या ट्रिम, इसको ट्रिम भी कह सकते हैं, बल्कि ट्रिम मेरे ख्याल से ऊपर रह गया, ट्रिम शायद ऐड करना मैं भूल गया, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिम का काम जो है बेसिकली ये होता है कि जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा है ना वो हिस्सा उसका कट जाएगा, ठीक है। लाइक कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बना के दिखा दे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए, अक्सर देखा होगा कि जो शर्ट्स वगैरह होती है ना उनके ऊपर डिजाइन बना हुआ होता है, तो इसमें हर जो लेयर होती है ना उसके लिए एक अलग से पूरी एक ट्रे बनानी पड़ती है, प्रिंटिंग ट्रे बोलते हैं उसको। तो अब लाइक इमेजिन करें कि एक शर्ट के ऊपर ये चार सर्कल है, ठीक है ना, तो इसी तरीके का डिजाइन बनाना, तो उसमें ये होगा कि अगर हमने ये सारे उसके ऊपर ऐड करने तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेस बनानी पड़ेंगी चार सर्कल्स की, लेकिन अगर हम उसको पाथफाइंडर जो टूल के थ्रू जो करेंगे तो फिर हम उसमें पेंट की भी बचत हो जाएगी और ट्रे भी बड़ी नहीं बनेगी, लाइक मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस तरीके से। अगर हम ट्रिम कर देते हैं तो जो ये होगा, इसको अनग्रुप किया सॉरी, लाइक कि ये इसकी पूरी ट्रे बन जाएगी, ठीक है। इसका जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा था या हिडन था वो कट जाएगा, इसका जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा था या हिडन था वो कट गया इसका जितना हिस्सा, तो इस तरीके से करके जो है शर्ट्स वगैरह के डिजाइन भी बनाए जाते हैं ट्रिम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मर्ज वाला काम, मर्ज का काम भी जो है
वो यही है लाइक के उनको यूनाइटेड कर देना, ठीक है ना। तो मर्ज का जो है कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, लाइक मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। ये तो मेरे ख्याल से वो हो चुकी थी, क्या नाम, यहाँ पे कर देता हूँ मर्ज। ये देखें बेसिकली मर्ज में भी वो एक ही शेप बन जाएगी, लेकिन इसमें ये है कि कलर सेम होना चाहिए उनका, कलर द सेम का कर देते हैं। ये देखिए इसका कलर हम कर देते हैं वही, और उसके बाद मर्ज करेंगे तो ये वैसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक शेप बन गई उसी की तरह जिस तरीके से यूनाइटेड में हो जाता है, ठीक है। और अगर कलर डिफरेंट होगा तो मर्ज के अंदर वो ट्रिम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्रॉप में आ जाते हैं। क्रॉप में जो हिस्सा उनका ओवरलैप नहीं कर रहा वो हिस्सा उनका जो है खत्म हो जाएगा, जैसे इंटरसेक्ट में होता है लाइक ये देखने। लेकिन इसमें ये है कि एक ही आउटलाइन रह जाती है, तो इस चीज की कोई समझ नहीं है मुझे कि क्यों रह जाती है, लेकिन ये काम वही इंटरसेक्ट वाला ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इधर आउटलाइन पे आ जाते हैं हम। आउटलाइन में ये होगा कि जब उसको हम करेंगे क्रॉप क्रॉप का एक दफा दोबारा बताइएगा। का, क्रॉप का वही है जो इंटरसेक्ट में होता है, जस्ट इसमें जो है एक जो सर्कल है उसकी एक आउटलाइन हमें मिल जाएगी। लाइक ये देखें हम इसको क्रॉप करते हैं, तो जैसे इंटरसेक्ट में हुआ था ना, लाइक ये देखिए जैसे इंटरसेक्ट में हुआ था वैसे ही क्रॉप में होगा, लेकिन जस्ट एक आउटलाइन रह जाएगी। मुझे नहीं पता क्या वजह है कि ये आउटलाइन रह जाती है, ठीक है। ना ही मुझे इस चीज का कोई इंटरनेट पर मटेरियल मिला, तो क्रॉप और इंटरसेक्ट को एक ही चीज कंसिडर करता हूँ मेरे मेरे साथ, तो एक ही चीज है। लाइक ये इसमें भी वही सा रह गया और इसमें भी वही सा रह गया, ठीक है। अब आउटलाइन को देख लेते हैं। तो जब हम इसको आउटलाइन करेंगे तो इसमें एक पतली सी आउटलाइन जो है वो रह जाएगी, ठीक है। ये देखिए दोनों सर्कल्स की आउटलाइन रहती है जैसे इसमें ये है, तो ये भी कोई इतना काम का टूल नहीं है। और लास्ट पे आ जाता है माइनस पैक, तो माइनस पैक का बता देता हूँ आपको। इसमें ये होगा कि जो बैक वाला है ना वो माइनस हो जाएगा फ्रंट में से, जैसे माइनस फ्रंट में जो है फ्रंट वाला माइनस हो जाता है बैक में से, इसी तरह माइनस बैक में बैक वाला माइनस हो जाता है फ्रंट में से। तो इसमें इतना कोई नहीं है, ये दोनों थोड़े से जो है एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो पाथफाइंडर के टूल्स थे इसकी तो आप लोगों को समझ आ गई। अब ये एक चीज आप लोगों को और छोटी सी समझानी थी, एक क्या नाम है आइकन्स के हवाले से, कि जब आप लोगों ने आइकन्स बनाने हैं तो उसमें ये है कि स्ट्रोक का भी हमने जो है लाइक कोई लेक्चर पढ़ा नहीं है, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक सी एक चीज आप लोगों को समझानी थी ताकि आप पाथफाइंडर टूल आ जाए अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसमें ये है कि स्ट्रोक्स जो है ना, जब आपने डिजाइन को एक्सपोर्ट करना है या कोई भी डिजाइन बना के उसकी जो फाइल है वो आगे शेयर करनी है सेव फाइल, तो स्ट्रोक को जो है हमेशा जो है मर्ज कर देना है या एक्सपेंड कर देना है। ये यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन है, क्योंकि ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ना ये आपके डिजाइन के साथ स्केल अप या स्केल डाउन नहीं होते, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी काफी मोटी स्ट्रोक है ब्लैक कलर की, ये देखें चार चार पॉइंट की, तो अगर हम इस डिजाइन को बड़ा करते हैं लाइक ये हमारा एक लोगो है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये एक लोगो छोटे से स्टैंप पैड पे लग रहा है, तो इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है ना। अब आपने छोटा किया तो टोटली लोगो की शेप जो है वो खराब हो गई है। और अगर हम इसको बड़ा करते हैं लाइक कि ये एक बड़े पैनाफ्लेक्स पे लग रहा है, तब भी जो है अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है इसके शेप के अंदर, लाइक के दोनों अलग अलग ही लग रहे हैं, सेम चीज नहीं लग रही। तो इस हवाले से ये है कि स्ट्रोक को जो है आप लोगों ने मर्ज कर लेना है, ठीक है ना।
मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग कैसे मर्ज कर रहे हो। ये देखिए अपने डिजाइन को आप लोगों ने पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके इसको एक्सपेंड कर देना, और हमने सिर्फ जो है उसके स्ट्रोक को एक्सपेंड करना, तो फिल को अनचेक कर देंगे और स्ट्रोक पे जो है चेक रहने देंगे। तो ये देखिए अब आपका जो स्ट्रोक है वो भी एक फिल के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रोक जो है वो खत्म है, ठीक है ना। इसको छोटा बड़ा करके देख लेते हैं, छोटा या बड़ा करो स्ट्रोक, अब जो शेप है वो बरकरार रहेगी इस हवाले से। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर से जो है स्ट्रोक्स को रिमूव करना है, तो उसका भी एक तरीका कर है। लाइक आप चाहते हो कि यहाँ पे एक फ्री स्पेस आ जाए, तो उसमें यूं है कि यहाँ से शेप बिल्डर टूल का मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। शेप बिल्डर टूल लेके आप लोगों ने इसकी स्ट्रोक्स पे लेके जाना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और इसके ऊपर डिफॉल्ट जो है वो प्लस आइकन प्लस के निशानों का लाइक के मतलब एक शेप बन रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ से अल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस कर देगा उतने हिस्से को। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ये देखें ये इस चीज की आप लोगों को समझ आई है। इसमें यूं है कि आप शेप बिल्डर टूल को जो है क्लिक करोगे तब भी जो है वो खत्म हो जाएगा, और अगर आप ड्रैग करोगे तब भी जो है वो वाला हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा शेप बिल्डर टूल के हिसाब से, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, इस चीज को समझाने का मकसद आप लोगों को अभी पता चल जाएगा जब मैं आप लोगों के सामने जो है एक और तरीका कार भी है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सिर्फ ब्लैक कलर को जो है चेंज करना है, ताकि मतलब ब्लैक को कर देते हैं ब्लैक। ये आप लोगों का डिफॉल्ट डिजाइन था, ठीक है ना। ये आप लोग किस की अब आप लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे मैजिक वॉन्ड है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उन्हीं उन्हीं हिस्सों को सिलेक्ट कर देगा जिसके अंदर ये कलर होगा, और ये पूरे डिजाइन में जिस जहां जहां ये कलर होगा उस हिस्से को जो है वो सिलेक्ट कर देगा। लाइक हम करके देखते हैं, ठीक है। अब इसने पूरे डिजाइन में उस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया जहां जहां ये वाला ऑरेंज कलर था, और देन डिलीट करें, ये देखें डिलीट हो गया, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले हमने रिमूव किया था शेप बिल्डर टूल के थ्रू, तो ये वाले हिस्से जहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे वो हिस्से भी खत्म हो गए थे, लेकिन जो अभी हमने मैजिक वॉन्ड टूल से रिमूव किया है तो उसमें से वही हिस्सा गया जहाँ पे वो कलर था। इस हवाले से शेप्स के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे छोटे छोटे आइकन्स कैसे बनते हैं। लाइक के हमारे पास ये एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके कॉर्नर्स को मैंने इन हैंडल से राउंड कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से दो और हमने रेक्टेंगुलर ले ली जिनके कॉर्नर्स को हमने राउंड कर लिया। ठीक है, अब इसको मर्ज करने का ये है कि आप इसको यहां से सिंपल यूनाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मर्ज का होगा, यहाँ से आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। और शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं और पूरे को जो है ये देखे ड्रैग करूंगा तो वो वाला हिस्सा भी उसमें आ जाएगा, करके भी एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब लाइक यहाँ पे हमने एक चीज ऐड करनी है इसका दरवाजा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल जो है माइनस फ्रंट करेंगे तब भी जो है दरवाजा बन जाएगा, ठीक है। या दोनों शेप को सिलेक्ट करके
यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ से अल्ट प्रेस करके इसके ऊपर लेके जाएंगे तो तब भी ये बन जाएगा, ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है देख लेते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर में ये है कि हमने एक सिंपल रेक्टेंगुलर लिया है और इसके कॉर्नर्स को जो है हमने थोड़ा सा कर्व कर लिया। ठीक है, यहाँ से जो है छोटे छोटे रेक्टेंगुलर है जिनके कॉर्नर्स को मैंने कर्व कर लिया और यहाँ पे इसमें मैंने जो है दो पॉइंट की स्ट्रोक भी ली है। ठीक है, तो मैं इसको ये यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये बड़े रेक्टेंगुलर है ये ऐड करूंगा तो ये एक शेप दे रहा है कैलेंडर के या कैलेंडर नोटबुक के। ठीक है, इसको फ्लैट आइकन बोलते हैं। अब इसमें जो है अगर हमने उसको रिमूव करना हो, क्या नाम है स्ट्रोक्स को, तो सिंपल है यहाँ से जो है एक्सपेंड अपेयरेंस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, सेम चीज ही होती है तकरीबन। ठीक है, पहले एक्सपेंड अपेयरेंस करेंगे तो भी वही काम हो जाएगा और अगर एक्सपेंड करेंगे तब भी वही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने इस चीज को रिमूव करना हो तो ये हम शेप बिल्डर टूल लेके ये देखें, इस तरीके से करके भी जो है हमने एक जो है नोटबुक का आइकन बनाया है। आप लोगों को दिखाता हूँ, इस टोटली ये जो हिस्से हैं ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखें, हम जहां मर्जी ले जाएं वो वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट और काफी अच्छा एक फ्लैट सा आइकन बन गया। ठीक है ना, एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, चैट चैट की मतलब चैट वाला आइकन जो होता है उसकी। तो ये एक मैंने ओवल लिया हुआ है। ठीक है, ये शेप मैंने खुद जो है शेप इससे क्या नाम पेन टूल से बनाई है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं और इसमें ये है कि जस्ट इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे उठा के हम किया। यहाँ पे जो है ना इस वाले हिस्से के ऊपर मैंने एक स्ट्रोक ऐड की हुई है चार पॉइंट की। अब पहले जो हमने स्ट्रोक रिमूव की थी वो हमने रिमूव की थी उससे क्या नाम है शेप बिल्डर टूल से। अब आपको जो है मैजिक वॉन्ड टूल से इसकी शेप रिमूव करना सिखाता हूँ मैं। लाइक हम स्ट्रोक का कलर वो ले लेते हैं जो इस डिजाइन में है ही। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर में कोई भी चीज नहीं है इस डिजाइन में। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस तो ये आ गया। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और इसके ऊपर पर्पल या रेडिश कलर जो है इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो वही सर सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें वो कलर है। ठीक है, और ये हमने डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से करके भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यही है कि से जो माइनस फ्रंट कर देते हैं उतने हिस्से को, ये क्या सवाल है, ये सी का हिस्सा आई थिंक सो, तो इसको अभी हम यहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद वो शेप की कॉपी लेना मैं भूल गया। लाइक इस शेप की हम एक कॉपी ले लेते हैं ठीक है, इसको पीछे कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को माइनस फ्रंट करेंगे तो ये हिस्सा चला गया। ठीक है, उसके बाद इस शेप को यहाँ पे ले आते हैं वापस और देन यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, पर्पल हिस्सा लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह करके आप जो है शेप्स बना सकते हो। अभी मेरे से ज़रा प्रॉपर नहीं बनी क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं एक्यूरेसी चाहिए होती है। ज़्यादातर मैं जो प्रेफर करता हूँ वो शेप बिल्डर टूल ही करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है
ठीक है ना, और काफी आराम से आप जो है एक चीज बना सकते हो इस शेप बिल्डर टूल से। सर पाथफाइंडर और शेप बिल्डर टूल एक ही चीज है? नहीं, एक नहीं है। पाथफाइंडर जो है, ये देखें, इसके अंदर शेप्स के डिफरेंट मोड हैं। शेप बिल्डर टूल का काम आप लोगों को मैंने जो है पेंटिंग की क्लास में बताया था, बकायदा। इसमें ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा से, शेप बिल्डर टूल का इसका काम। अब ये देखिए, हमारे पास दो सर्कल आ गए, ठीक है ना। अब पाथफाइंडर टूल से करेंगे तो हम इसको यूनाइट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर फ्रंट को जो है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, क्रॉप हो गया, ठीक है। जो शेप बिल्डर टूल का काम है, उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो वो एक पूरी शेप बना देगा, ठीक है, या वो लाइक के तीन डिफरेंट शेप बना देगा। ये तीन डिफरेंट शेप बन गए, ठीक है, या फिर वो इसमें से कोई ना कोई शेप को जो है रिमूव कर सकता है, लाइक डिलीशन वाला काम। डिलीट वो सिर्फ उस सूरत में करेगा जब आप इसके ऊपर अल्ट प्रेस करें, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को डिलीट कर सकते हैं। तो जो पाथफाइंडर का काम है, वो सारे काम शेप बिल्डर टूल कर सकता है, लेकिन शेप बिल्डर वाले काम जो है वो पाथफाइंडर के टूल्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। लाइक कि अगर हम तीनों पे ले आते हैं तो ये एक मर्ज हो जाएगा, ठीक है, या अगर हम कहते हैं कि हमने फ्रंट माइनस करना है, तो हम यहाँ पे इसको अल्ट प्रेस करेंगे और ये वो जो है फ्रंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब हम कहते हैं कि इंटरसेक्ट करना है हमने, तो यहाँ पे फिर इसके ऊपर लाएंगे और इन दो के ऊपर अल्ट प्रेस करेंगे, तो ये देखें, ये इंटरसेक्ट वाला काम हो गया। और इसी तरह एक्सक्लूड वाला काम भी हम इससे ले सकते हैं। जो चीज इसमें जो डिफर करती है पाथफाइंडर और इसमें, ये है कि हम अल्ट प्रेस करके जो है एक डमी शेप बना सकते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके बाद में ये एक्सपेंड का बटन ओपन हो जाएगा, तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया कि अल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि मतलब दोनों मर्ज हो गए या एक्सक्लूड हो गए या इंटरसेक्ट हो गए, लेकिन उसकी आउटलाइन शो हो रही होगी और वो एक कंपाउंड सी शेप होगी, ठीक है ना। उसको आप डबल क्लिक करके कंपाउंड शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन शेप बिल्डर टूल में आप ये कंपाउंड वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, बाकी आप लोगों से ये है कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है ना। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू थोड़ा सा आ रहा है, तो आप लोगों को फिर ध्यान करना पड़ेगा इस हवाले से। ऑनलाइन क्लासेज इस वजह से प्रेफर की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं, कभी इंटरनेट का इशू, कभी आवाज़ का इशू, कभी लाइट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग लेक्चर इधर करके और पता नहीं सुन भी रहे होते हो कि नहीं, कि आप लोग बीच बीच में सवाल किया करो, थोड़ा सा पूछा करो, ठीक है ना, जहाँ से समझ नहीं आती। लेक्चर के बाद काफ़ी सारी क्वेश्चन होती है, लेकिन जहाँ पे ये है कि मैं आप लोगों को करके वो चीज़ समझा सकता हूँ, ठीक है ना। इसी वजह से जो है ऑनलाइन प्रेफर नहीं की जाती, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे फायदा हो इस कोर्स से, तो वैलिड कोर्स, और अगर आप चाहते हो कि आप ग्राफिक डिजाइन करो, लेकिन आपको इससे कोई फायदा नहीं होता, तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि नेक्स्ट आप लोगों ने जो है फिर ऑनलाइन सेशन ही ले लें, ठीक है ना, फिजिकल क्लासेस की तरफ जाएं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ऑनलाइन में आप अपने दिल के अकॉर्डिंग, क्या आपकी मर्जी है तो आपने सुन लिया, नहीं सुना, ठीक है। फिजिकल में ये होता है कि आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हो, आप कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आप लोग जो है कर जाओगे,
और ये ज्यादा इशू लड़कियों में होता है कि वो जो है ऑनलाइन में नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे साथ यही लाइव एग्जाम्पल है, मतलब एक लड़की को मैंने पूरा ब्लॉग सेट करके दिया, ठीक है, कि वो भी आप कंटेंट राइटिंग करो, अपने आर्टिकल्स लिंक्डइन पे डालो, ठीक है, डोमेन ली हमने, पेड थीम लिया, होस्टिंग लेकर करा के, ठीक है, प्रॉपर डिजाइन करके दी, लेकिन स्टिल वही 4-5 आर्टिकल डाले, उसके बाद मैंने तो नहीं करना ही है। इसी तरह एक लड़की और है, उसने भी यही किया, ठीक है, 2-3 कोर्सेज लिए हैं पेड उसने ग्राफिक डिजाइन के, लेकिन उसने उनके 2 से 3 या 4 वीडियोस कम से कम देखे। तो बेटर यही है कि आप लोग या तो ऑनलाइन में ही दिल लगा के करें, ठीक है, आप लोग को मेरी असाइनमेंट्स नहीं हुई हैं, मुझे प्रॉपर किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई आप लोगों को, मैंने ट्रेसिंग का बोला था पेन टूल के थ्रू, तो किसने ट्रेसिंग की आप लोगों से? ये किसी ने सर मैंने ट्राई किया उसे। अच्छा, तो वो ट्राई करके सब मुझे सेंड करना। जी सर, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जो कल आपने टाइप टूल बताया था उसमें हम उर्दू वाला फॉन्ट कैसे यूज करें? अब वो एक प्रॉपर अलग तरीका का है, उस हवाले से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो आप देख कर सकते हैं, वो कोर्स का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ वो ना थोड़ा सा लंबा काम है, ठीक है ना, वो प्रेफरेंस में जाके और फिर लैंग्वेजेस में जाके सेटिंग वगैरह थोड़ी सी करनी पड़ती है, वो मैं आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख के जो ना अपने इलस्ट्रेटर के अंदर सेटअप कर लेना, ठीक है, यहाँ पे मैंने की हुई है तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये जो फॉन्ट है ना, ये उर्दू का फॉन्ट है, यहाँ से अगर नए लैंग्वेजेस वगैरह मैंने ऐड नहीं किए, यहाँ से गूगल से कोई उर्दू आइटम ले लेते हैं, ये देखिए अभी मेरे पास भी जो है ना सेटअप नहीं हुआ, तो मेरे पास ये इशू आ रहा है, ठीक है ना, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, तो फिर मैं वो आपको सेंड कर दूँगा, तो आप कर लेना उससे, फोन वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो मुझे लगा था मैंने शायद सेटअप किया होगा उससे, बट नहीं हुआ सेटअप, क्योंकि विंडो चेंज की थी, तो मैं वो करके इंशाल्लाह आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। अच्छा हाँ, फिर वो ट्रेसिंग वगैरह ना आप लोग करके लाजमी सेंड करो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पीछे उन लोगों को बताना है इंस्टीट्यूट को कि मैंने इतनी इतनी असाइनमेंट्स दी हैं और मुझे इतने इतने स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाए, तो आप लोग लाजमी करके, उसमें से लाजमी नहीं कि आप तीनों स्केच ही करें, कोई एक स्केच करके तो सेंड करा दो। जी सर, ठीक है, चले ठीक है, फिर लास्ट करते हैं। बाकी मैं ना ये वाली सेव फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके ऊपर आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, मैंने इस वजह से सेव फाइल बनाई थी ताकि आप लोग कम से कम प्रैक्टिस तो कर सको, ठीक है। जी सर, ठीक है।